नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा फूड्स में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम मंचूरियन। चाइनीज़ डिश है ये और इसको मैं बनाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं मंचूरियन बनाना। तो मशरूम के मंचूरियन बना रही हूँ मैं आज। तो ये मैंने मशरूम पैकेट में भी आता है और डब्बे में भी आता है, तो ये मैं डब्बे के लिए मशरूम और इनको दो दो टुकड़े में कट कर लिया। अब इसके लिए मैं घोल तैयार करूँगी। इसके लिए मैं ले लूँगी 3 बड़े चम्मच मैदा, ये मैदा है, 2 बड़े चम्मच चावल का आटा लिया मैंने, और कॉर्नफ्लोर लिया 1.5 चम्मच। मार्केट में आता है रिफाइंड कॉर्नफ्लोर, वो ले लिया मैंने। अब इसमें थोड़ी सीजनिंग करूँगी मैं। उसके लिए लूँगी मैं 1/4 चम्मच नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें आप। 1/4 चम्मच मिर्च, कश्मीरी मिर्च लिए, थोड़ा सा गरम मसाला, और इसको घोल लेना है। मंचूरियन के लिए मैंने चावल के आटे का, मैदे का और कॉर्नफ्लोर का ये घोल बनाया था, जिसे नमक मिर्च और गरम मसाला डाला है मैंने। तो ये ऐसा होना चाहिए, इतना, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, पकोड़े से थोड़ा गाढ़ा। ये मैंने घोल तैयार कर लिया है। अब मैं तैयार करूँगी मंचूरियन। तेल चढ़ा लिया था मैंने कढ़ाई में, जो मैंने घोल तैयार किया है उसे मशरूम डाल के इसको मीडियम आंच में पकाना है, पकौड़े की तरह। चाइनीज़ पकौड़े हैं एक्चुअली। देखिए मंचूरियन के लिए मैंने सारे डिशे बहुत से फ्राई कर लिए, ये देखिए, और ये भी निकाल लिया, ये बच्चे देखिए। अब इसकी मैं बनाऊंगी, अगला प्रोसेस करूंगी, दिखाती हूँ आपको। मैं घोल तैयार कर रही हूँ, उसका करी तैयार कर रही हूँ, मंचूरियन की करी। मैंने जीरा डाल लिया और 1 बड़ी प्याज काटी थी वो डाल दी मैंने। देखिए प्याज इतनी भूननी है मुझको, भून ली मैंने। अब इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 छोटा चम्मच, और इसको सोटे करके, और 2 मैंने मीडियम टमाटर काटे थे वो डाल दूंगी इसमें। टमाटर जल्दी जल जाए इसके लिए मैं नमक डालूंगी, थोड़ा सा नमक, टमाटर जल्दी मैं सुलाऊंगी। प्याज टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैंने भूना है, देखिए इसको इस तरह मैश कर लेंगे टमाटर को। और अब मैं इसकी सीजनिंग करूँगी मसालों की, तो इसके लिए मैं डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दें। मैंने पहले नमक डाला हुआ है तो नमक कम लूँगी मैं, वो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और डालूंगी मैं थोड़ा सा गर्म मसाला, बस मसाले इतने ही पड़ते हैं, चाइनीज़ आइटम में ज़्यादा नहीं पड़ते, चाइनीज खाने में हल्दी वगैरह नहीं पड़ती। सीजनिंग मैंने कर ली, अब इसमें सॉसेस डालेंगे सारे,
ये मैंने ले लिया चिली सॉस, रेड चिली सॉस 2 बड़े चम्मच है चिली सॉस, 1.5 चम्मच मैंने ले लिया सोया सॉस, ये भी जाएगा इसमें। और केचप लिए मैंने 1.5 चम्मच। ताकि गले ना ये सॉस, और अब मैं गोल गुबारा करने के लिए कॉर्नफ्लोर की सलरी बनाऊंगी, वो दिखा देती हूँ आपको। ये मैंने 2 बड़े चम्मच वो लिया है, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया मैंने, ये देखिए। इसमें हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक घोल तैयार करना है, स्लरी तैयार करनी है इसकी, इसे गांठ ना पड़े इसका ध्यान देना। ये तरी में जाएगा जो मैं तैयार कर रही हूँ करी, ये उसमें जाएगा, इससे जो घोल है गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए कॉर्नफ्लोर की स्लरी उसमें डालूँगी, तैयार हो गई है। ये देखिए इसकी इतनी होनी चाहिए बस, और इसको मैं डाल दूँगी जो मैंने सॉसेज तैयार करके रखे हैं इसके उसमें। इस घोल को गाढ़ा करने के लिए है और टेस्ट भी आता है, ये मैंने उसे पानी डाल के ये भी डाल दूँगी। कॉर्नफ्लोर जो डाला है मैंने उसको पकाऊंगी 2 मिनट और तैयार है मेरी मंचूरियन, लेकिन बस घोल पकाना है, कच्चा है वो। देखिए दोस्तों मंचूरियन की जो करी है तैयार हो गई है, बिल्कुल रेडी है ये। अब इसमें जो मैंने बनाए थे मंचूरियन सोया के, वो मैं डाल रही हूँ, मशरूम के जो बनाए थे मैंने, ये सारे डाल देती हूँ। तो देखिए दोस्तों मशरूम मंचूरियन बनके तैयार है हमारा, ये देखिए शानदार कलर आया है इसका। आप भी इसको बनाइएगा, मेरे पूरा वीडियो देखिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि मेरे चैनल पे आप पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मैं इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। दोस्तों आज मैंने मशरूम मंचूरियन बनाया था तो उसकी प्लेटिंग कर दी है मैंने, ये देखिए बनके तैयार है। तो आप इसको मेरा वीडियो पूरा देख के ज़रूर बनाइएगा इसको, और मुझे बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में कि कैसी लगी आपको रेसिपी, और मैं अच्छी और नई रेसिपी लाने की कोशिश करती हूँ पूरी, लेकिन आपके कमेंट्स आने चाहिए, तभी मुझे बढ़ावा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये मेरा बनके तैयार है, और मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, एनकरेजमेंट मिलता है। और अगली रेसिपी लाने तक टेक केयर, बाय बाय।